हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं अमित विश्वास, स्टूडेंट ऑफ बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज का पूरा टूर कराने वाला हूं, पूरा अपना कॉलेज का हॉस्पिटल, कॉलेज, अपना मेस, हॉस्टल बताने वाला हूं कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए और मिलते हैं लास्ट में। दोस्तों, आज है डेट 30 दिसंबर और टाइम अभी हो रहे हैं शाम के 4 बजे रहे हैं और अभी हमारा विंटर वेकेशन चल रहा है, इसलिए अभी बच्चे बहुत ही कम है, सारे बच्चे घर गए। अभी हम लोग कुछ ही अभी कुछ सीनियर हैं और हम लोग 3-4 हैं। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ का सीन दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कॉलेज का मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है। और अगर लोकेशन की बात करें तो हमारा कॉलेज जीटी रोड के समीप है और ये दिल्ली अलीगढ़ के मिड पॉइंट पर है। और यहाँ से दिल्ली 85 किलोमीटर अप्रॉक्स है और अलीगढ़ 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और यहाँ से नियर रेलवे जंक्शन खुर्जा है और मेन गेट के समीप ही पीएनबी का एटीएम है जो कि 24/7 खुला रहती है। और एटीएम के पास ही एक पार्किंग की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा VYDS कॉलेज और कॉलेज के जस्ट सामने एक खूबसूरत सा पार्क है और इसके ग्राउंड फ्लोर पर ही प्रिंसिपल ऑफिस है और मैनेजमेंट ऑफिस भी है। और ये रहा हमारा लेक्चर हॉल जिसमें हमारी लेक्चर चलती हैं। अभी तो हमारे विंटर वेकेशन चल रहे हैं इसीलिए बच्चे नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो पूरी माहौल रहती है कॉलेज वाली। और इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर पे हमारे सीनियरों की क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों, कॉलेज का ही अपना हॉस्पिटल जो कि PLRD पंडित प्यारे लाल रमादत्त वैद्य चिकित्सालय नाम से है, जो कि इस रीजन में अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए फेमस है। इस हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ एलोपैथी चिकित्सा भी होती है। और यह हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी से परिपूर्ण है, जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और यहाँ OPD, IPD की भी व्यवस्था है। और यह हॉस्पिटल 24/7 ओपन रहती है और यहाँ इमरजेंसी की भी सुविधा है। और यहाँ का बेस्ट पार्ट पंचकर्मा है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं जंगल में आ गया, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये आयुर्वेद का बहुत ही मुख्य जगह है जिसे हम बोटेनिकल गार्डन, वनौषधि उद्यान के नाम से जानते हैं। और यहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, एलोवेरा, तुलसी। मुझे उतना तो आइडिया नहीं बिकॉज मुझे सेकेंड ईयर में सारे पढ़ने हैं। दोस्तों, हमारे कॉलेज के कैंपस में एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊं तो ये कॉलेज 2002 से चल रही है, मतलब 20 इयर्स होने वाले हैं इस कॉलेज को। बहुत ही पुरानी कॉलेज है।
और इस कैंपस में 4 कैंटीन और 2 मेस हैं। रही बात छात्रावास की, तो 2 छात्रावास हैं, बॉयज के लिए बद्री छात्रावास है और गर्ल्स के लिए रुक्मणी देवी छात्रावास है। दुष्यंत भैया, खाने में क्या है? क्या है खाने में? खाने में उड़द चने की दाल और आलू मटर की सब्जी। बहुत बढ़िया। क्या नहीं थे? क्या है? लाइव डाल उस पे, यूट्यूब पे चावल दिखा, चावल। स्पेशल है क्या कुछ? चावल स्पेशल होता है तो डालते ना। दोस्तों, इस साइड बॉयज का मेस है और दूसरे अपोजिट साइड गर्ल्स का मेस है। तो दोस्तों, इस बिल्डिंग की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे फार्मेसी है, जहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, और उसी के जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे रस शास्त्र विभाग है और उसके सेकंड फ्लोर पे अपना डिसेक्शन हॉल है। और कैंपस में ही एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, जहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है और बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, तो मैं बता दूँ, ये एक वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे वेस्ट वाटर प्यूरिफाई होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपने कॉलेज का जिम दिखाना चाहता हूँ, जो कि इसी वीक ओपन हुई है, अभी पूरी तरह से मॉडिफाई होनी बाकी है। देखिए कैसे जिम का। गुड इवनिंग सर। तो दोस्तों, आपको एक अच्छी रूल बता दूँ इस कॉलेज की, यहाँ जितने भी स्टूडेंट है वो अपने जज सीनियर को बॉस बोलते हैं और उनके जज सीनियर को सर बोल के विश करते हैं, और ये एक अच्छी हैबिट भी है, और इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत ही बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज खोज रहे हैं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि आपको नीट में क्वालिफाइड नंबर होने चाहिए, मतलब आपको 150 अप्रोक्स तो 150 होने ही चाहिए, और नीट क्वालिफाई के साथ साथ आपको काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी आयुष काउंसलिंग का फॉर्म आती है, उसको फिलअप करना पड़ता है, उसका प्रोसेस होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग बैठना होगा, फिर उसके अनुसार आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें फिल करते हैं, फिर वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है। दोस्तों, मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है 2,59,100। पहले हमारे बैच से पहले 2,84,000 समथिंग, बट हम लोग के बैच से लग रहा है 2,59,000। और हॉस्टल का बता दें तो हॉस्टल का अभी हम लोग का लग रहा है 80,000 पर ईयर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और मैं आगे काउंसलिंग के रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्दी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।